हेलो दोस्तों, मैं सुमित वेलकम करता हूँ आपका हमारे चैनल द अनटोल्ड अम्बेडकर में। दोस्तों, मैंने चैनल पर एक नई सीरीज द अनटोल्ड इवेंट इस नाम से शुरू की है, जिसमें मैं बाबा साहब के जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। अब तक मैंने उस सीरीज़ के 2 एपिसोड अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो और वो एपिसोड देख सकते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बाबा साहेब जी ने हिंदू धर्म को त्यागने की महत्वपूर्ण घोषणा की थी। उस वक्त के बाद से हिंदुओं ने बाबा साहेब जी का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। हिंदुओं को लगने लगा था कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म का विभाजन कर रहे हैं, और ऐसे कई आरोप बाबा साहेब जी पर लगाए गए थे। बाबा साहेब जी ने घोषणा तो कर दी थी, पर अभी भी बाबा साहेब के मानने वाले कुछ लोग हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। अपने लोगों को समझाने के लिए बाबा साहेब जी ने एक भाषण में बताया कि कौन से 3 देवता है जिनकी पूजा अस्पृश्यों ने नहीं करनी चाहिए, और वही 3 त्यौहार भी अस्पृश्यों ने नहीं मनानी चाहिए। यह भाषण बाबा साहेब जी ने 28 अगस्त 1937 को मुंबई के म्युनिसिपल हॉल में दिया था। बाबा साहेब अपने भाषण में कहते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार जिन 3 धार्मिक त्यौहारों को मनाते थे वो अब हमें नहीं मनाने चाहिए। पहला उदाहरण बाबा साहेब बताते हैं कि लोग शंकर भगवान के नाम से सोमवार को व्रत रखते हैं और शंकर की पिंडी की कई तरह से पूजा करते हैं, लेकिन क्या कभी किसने यह सोचा है कि असल में शंकर की पिंडी क्या है? यह और कुछ नहीं, पुरुष और स्त्री की संभोग क्रिया की प्रतिमा है। ऐसे विभत्स प्रतिमा की हम महिमा क्यों गाए? सड़कों पर कुत्तों की तरह अगर नर नारी वाहियात हरकतें करने लगे तो हम उनकी फूलों से पूजा करें या जूतों से? तो फिर पार्वती शंकर की इसी क्रिया की प्रतिमा यानी भगवान की विभत्सता की क्या हमें पूजा करनी चाहिए? गणपति के साथ भी यही बात है। गणपति की कथा यह है कि एक बार पार्वती नहा रही थी, तब शंकर कहीं और गया था। तब नहाते समय कोई व्यवधान ना आए इसलिए पार्वती ने अपने बदन का मैल उतार कर उससे रक्षणकर्ता गणपति को बनाया। सो मैल से उत्पन्न अमंगल को भगवान कैसे माना जाए? लेकिन हिंदू धर्म के भगवान बड़े विचित्र है, इसलिए ईमानदारी से मुझे लगता है कि उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। तीसरी बात है दत्तात्रेय की। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसया महान पतिव्रता है, ऐसा नारद ने ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 भगवानों की पत्नियों से कहा। अपने से अधिक पतिव्रता कोई हो या उनसे देखा नहीं गया। तब इन 3 महिलाओं ने अपने पतियों से कहा कि वे अनुसया के पतिव्रत का हरण करें, और पत्नियों की बात मानकर ये 3 वीर इस काम को अंजाम देने निकल पड़े। वे तीनों अनुसया के घर गए, उसके पति को कुछ काम बताकर बाहर भेजा और खुद अनुसया के साथ रहे। इस सहवास से अनुसया ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस बालक का जनकत्व देने के लिए उसके 3 सिरों की कल्पना की गई। वही दत्तात्रेय है। धर्मांतरण होने वाला है, मैंने यह आंदोलन नहीं छोड़ा है, यह ध्यान में रखिए। कई हिंदू लोग मुझसे कहते हैं कि आपके धर्मांतरण की कल्पना के कारण हमारी आंखें खुल चुकी है, अब हम चौकन्ने हो गए हैं, आपके प्रांत हमारे कर्तव्यों में अब हम चूकेंगे नहीं, इसलिए धर्मांतरण का आंदोलन अब रोक दीजिए। लेकिन अब तक मैंने जो कुछ कहा है उन्हीं वजहों के लिए यह आंदोलन रोकना नहीं चाहता। आप पूरी तरह सोचिए, दूसरा धर्म अगर स्वीकारना है तो पूरी तरह जांच परख कर ही स्वीकारना होगा। उम्मीद करता हूँ आगे से सभी महार जाति के लोग महार परिषद द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार ही पेश आएंगे। तो दोस्तों, ऐसा कहते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने अनुयायियों को बताया था कि किन 3 त्योहारों को और देवी देवताओं को हमें नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो किसी भी देवी देवताओं का अपमान करने के लिए नहीं है। वीडियो में जो भी बात कही गई है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तथ्यों के आधार पर कही। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की राइटिंग्स को जानना समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम।